हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है लीवर सुरक्षा वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व। देखिए लीवर सेफ्टी वाल्व होता क्या चीज़ है, लीवर सेफ्टी वाल्व में याद रखे रहिएगा कि देखिए नाम से पता चल रहा है कि सेफ्टी मतलब होता है बचाव करना, सुरक्षा करना। तो आपको मैं बता दूँ लीवर सेफ्टी वाल्व में होता क्या चीज़ है। लीवर सेफ्टी वाल्व में जब आपका इसका जो यूपीयू होता है मैक्सिमम, जैसे आप देखते हैं इसका उपयोग बॉयलर रूम में किया जाता है। बॉयलर क्या चीज़ होता है, बॉयलर में जहां आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में क्या होता है पानी को डाला जाता है और पानी को वाष्प बनाया जाता है, भाप बनाया जाता है और उस पर एक कैप लगा होता है। यही जो कैप होता है यही लीवर सुरक्षा वाल्व होता है। जब बॉयलर में जब वो कंटेनर में जब वाष्प बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वाष्प भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। जब ये वाष्प ऊपर की तरफ उठता है तो ये वाल्व क्या होता है खुल जाता है और खुलने से आवश्यकता से अधिक जितनी भी इसके अंदर भाप होती है बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा बॉयलर फटने से बच जाता है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, एक एनिमेशन वीडियो मैंने साइड में लगाया, आपको नज़र आ रहा होगा। जब भी देखिए आपका वाष्प ज़्यादा होगा तो ये उठ जाएगा, उठने से उसकी सारी गैसें जो होती हैं जो आपकी होंगी आवश्यकता से अधिक गैसें वो बाहर चली जाएंगी। जैसे नॉर्मली तौर पर अगर आपने घरों में देखा होगा, अगर आपने घरों में कुकर होगा तो कुकर में देखा होगा जब वाष्प भाप उसमें ज़्यादा हो जाता है तो इसमें एक सीटी लगी होती है और सीटी वो अचानक उठ जाती है और उठने से जितने भी वाष्प आवश्यकता से अधिक होती है वो आपकी निकल जाती है। कहीं कहीं पर आपने रेयर केस में ऐसा देखा होगा कि जब कुकर का फट जाता है तो फटने से वही होता है कि उसमें जो आपकी जो वाष्प होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो जिससे वाष्प बाहर ना निकलने के कारण वो फट जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या चीज़ है, इस तरह से आपका नॉर्मली आपका ये काम करता है वो तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। लेकिन नॉर्मली ज़रा देखिए यहीं पर आपका क्या होता है, एक फलक्रम होता है। हम आपको नॉर्मल हम इस तरह से नहीं बना रहे हैं, एक टेम्पोरी जो फिगर हम पोस्टर को समझने के लिए हम इस तरह से आपको बना करके दिखा देते हैं, जैसा कि आपको बुकों में बनाया गया होगा। तो फिलहाल हमने इस तरह से यहाँ पर बना दिया और बुकों में देखी जाए यहाँ पे वॉल बनाया होगा, इस तरह से लगाया होगा। तो इतनी चीज़ें हम नहीं, हम केवल आपको सवाल समझाने के लिए लेके चल रहे हैं। तो आप जब भी आपको सवाल आएगा तो आप केवल इस तरह से बना लीजिएगा, हम ये इस तरह से बना देते हैं। ये जो हमारा होता है यही हमारा होता है बॉयलर होता है, यहीं पर क्या होता है लटकाए जाने वाला भार डब्लू लटकाया जाता है, जिससे क्या होता है जब ये आपका होता है इसमें पानी जब ऊपर की तरफ जब भाप ऊपर की तरफ उठेगा तो यही क्या होता है ऐसे खुल जाता है और खुलने से एयर निकल जाती है। फिर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में देखो ये लटकाए जाने वाला भार इसलिए लगाया जाता है ताकि जब ये हुक के माध्यम से जब ये ऐसे ऊपर की तरफ उठे और ये जो भार होगा जब भार लटका होगा तो फिर उसे उसको प्रारंभिक अवस्था में क्या करेगा उसे वापस ला देगा। तो ये मान लीजिए ये आपका बॉयलर है, यहीं पर आपका वाष्प बनेगा, यही आपका जान लीजिए ये आपका प्रेशर है। तो अब होता क्या चीज़ है, यहीं पर मान लीजिए इस जो लीवर सुरक्षा वाल्व है उसका कोई ना कोई वेट तो काम करेगा, तो ये जो वेट काम करेगा इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जरा जानिए कोई भी वाल्व होगा तो वाल्व में कोई ना कोई एक भार होता है, जाहिर सी बात है जब भी आप यहाँ पर लगाओगे तो लगाने पर उस वाल्व का कोई ना कोई एक तो प्रेशर, देखिए ये प्रेशर कहाँ काम करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा। मान लीजिए ये पी है, ये जो प्रेशर है ये आपका हम प्रेशर लेते हैं फोर्स एफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये जो प्रेशर होगा जो एफ पी जो होगा वो ऊपर की तरफ उसे ढके देगा, लेकिन इस पर ये जो वाल्व लगा होगा वो कहाँ काम करेगा, वो नीचे की तरफ उसे काम करेगा भाई, तब भी तो वो पैक करा रहेगा। और ये यही आपका क्या होता है यही फलक्रम होगा। अब देखो आप देख रहे होगे जब आपको काम करेगा जब भाप बन के ऊपर की तरफ उठेगा तो ये किस पर घूम रहा, देखिए इसी पॉइंट पे तो टर्न कर रहा घूम रहा है। तो मतलब अब आपको जो घूर्ण निकालोगे वो इसी पॉइंट, यानी हम अगर निकालेंगे इस टॉपिक के हिसाब से अगर हम मूवमेंट देखें तो हाँ का मूवमेंट एट पॉइंट किस पर होगा, एफ़ पर होगा। एफ पर होगा कि ये भार जी देखिए नीचे की तरफ काम कर रहा, तो स्मॉल डब्लू गुड़े अब यहाँ से हम पॉइंट ले लें अगर तो ये इस पॉइंट को नाम अगर आपने एफ माना, यहीं पर हम मान लेते हैं ये आपका जो पॉइंट होगा यहीं पे काम करेगा ए, और इस पॉइंट को जी माना और इस पॉइंट को बी माना, तो ये डब्लू गुड़े क्या हो जाएगा एफ बी हो जाएगा, फिर ये गुड़े एस गुड़े आपका क्या हो जाएगा एफ जी हो जाएगा। अब उसके देखिए वॉल्व का भार कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। जो ये वॉल्व है याद रखिएगा किताबों में वॉल्व का भार जरूर देगा, एक आपको लीवर का भार दिया जाएगा और वॉल्व का भार भी देगा जो वॉल्व का भार नीचे की तरफ काम कर रहा। तो वॉल्व का भार यानी कि यहीं पर आपका हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एफ बी है मतलब एफ जो वॉल्व का जो भार है वो भी नीचे काम करेगा, माइनस
तो सॉरी ये आपका प्लस एफ बी गुड़े आपका हो जाएगा ए एफ, लेकिन ये देखिए जो प्रेशर होगा वो आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा, इसलिए यहाँ पर जो साइन लेंगे आपका जो प्रेशर जो होता है जो आपका भाप का जो प्रेशर होगा वो एफ बी से मैंने रिप्रेजेंट किया, वो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ बी गुड़े माइनस सॉरी माइनस एफ बी गुड़े हो जाएगा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा जीरो। यानी इस तरह से आप देख रहे हो ये एफ पर मोमेंट, अब देखिए ये आपका क्लॉक वाइज था, हमने पॉजिटिव मान लिया, आप निगेटिव मान के चल सकते थे, तो ये डब्ल्यू गुड़े यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका जो भार होगा वो एस गुड़े एफ जी यहाँ तक होगा, तो जाहिर सी बात जो वॉल्व ढका होगा ना इस बॉयलर को, तो इस वॉल्व का कोई ना कोई भार होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा, तो हमने वॉल्व को एफ बी से लिखा है, बी फॉर वॉल्व से लेके चला, वाल्व का जो बल होगा जो कितने बल का दाब दे रहा है उस पर, तो ये बल यहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे कितना बल आपका जो है वॉल्व उस बॉयलर पे लगा रहा, तो एफ बी वो भी नीचे से आपका घूम रहा, लेकिन ये जो प्रेशर बनेगा जब बन करके इसे उठाएगा तो इसकी डायरेक्शन किस दिशा में हो रहा है, वो एंटी क्लॉक है, इसलिए माइनस में ले लिया। आप इसे पलट भी सकते हैं, इसको माइनस और इसको केवल प्लस कर सकते हो, तो इस तरह से देखिए एक इक्वेशन आपका बन करके ये तैयार हो जाएगा। तो आपको केवल यहाँ देखो किताबों में कई तरह से बनाया होगा, तो आप नॉर्मली देखिए जब भी फिगर बनाने की कोशिश करिएगा ऐसे यहाँ फलक्रम बनाइएगा, ऐसे ले लीजिएगा और इसको ऐसे बना लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बस अब यहीं पर क्या करिएगा ऐसे दो लाइनें खींच दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए यही जो प्रेशर होगा वो कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो काम करेगा पानी का, और उसके बाद जो इस पर जो वॉल्व लगा होगा तो ये जो वॉल्व लगा होगा तो ये जो वॉल्व उसका भी जो भार होगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, इसका जो वॉल्व का जो वेट है जो बल नीचे काम करेगा, भार इसका जाहिर सी बात है नीचे काम करेगा, स्टील जो भी लीवर सेफ्टी वॉल्व का हुक का जो भार है जो लटकाए जाने वाला भार है जिससे ये घूम करके वापस आता है वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये रहा लीवर सुरक्षा वाल्व का। अब इस पर एक हम न्यूमेरिकल आपको लगा करके दिखाते हैं, जैसा कि आपके सवाल में आपको एक सवाल स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, इस सवाल को ज़रा देखिए। आपका देखिए कह रहा एक लीवर सुरक्षा वाल्व है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए हम क्या करेंगे, हम फार्म है हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फिगर हम नॉर्मली आपका छोटा सा एक फिगर बना करके इस तरह से दिखा देते हैं, ज़्यादा उसमें 3-5 मत करिए, बस ऐसे एक फिगर बना लीजिए, हो गया फिगर। अब यहीं पर ज़रा देखिए बारी बारी से कह रहा है एक लीवर सुरक्षा वाल्व का व्यास, अब देखिए क्या क्या दिया है उसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। अब देखो लीवर सुरक्षा वाल्व का व्यास जो है, यानी कि जो आप यहाँ पर जो बॉयलर जो लगा होता है ये लीवर सुरक्षा वाल्व का जो व्यास दिया है, ये व्यास आपका कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्व है इसका जो व्यास दिया है वो 8 सेंटीमीटर, जो बॉयलर है उसकी जो डाया है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब स्मॉल डी जो डी वॉल्व का जो दिया है वो कितना 8 सेंटीमीटर दे दिया। जरा देखिए आपके क्वेश्चन में ये दे दिया है कि एक लीवर सुरक्षा वॉल्व 8 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 80 सेंटीमीटर है, मतलब एक लीवर सुरक्षा वाल्व हमने इस तरह से बना दिया। अब उसमें जो देखिए कह रहा वाल्व का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वाल्व होगा बॉयलर में जो वाल्व लगा होगा उसका टोटल डाया दे दिया है डी वी 80 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा एक लीवर सुरक्षा वाल्व का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा लंबाई 80 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो इसकी लंबाई दे दिया है वो कितना सेंटीमीटर का है, वो 80 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई दे दिया है। अब देखिए जब ये 80 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई दे दिया है तो अब इसके बाद फिर कह रहा है आलंब से वॉल्व की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए ये जो आलंब है यही तो आपका फलक्रम है, इस आलंब से इस वॉल्व की जो आपकी दूरी है वो कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो जब भी हम दूरी को लेते हैं हमेशा उसके मिड पॉइंट से सेंटर से लेके चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। कह रहा लीवर के सिरे पे लटकाए जाने वाला भार, मतलब यहाँ पर जो इसके जो लटकाए जाने वाला भार स्मॉल डब्ल्यू है का मान ज्ञात कीजिए यदि वॉल्व का भार 10 न्यूटन है, मतलब देखिए यदि वॉल्व का भार, मतलब यहाँ जो वॉल्व है उसका जो भार है वो कितना है 10 न्यूटन, तो वो कहाँ काम करेगा, एरो देखिए वो आपका जो होगा जो एफ बी होगा वो कितना न्यूटन है 10 न्यूटन, वो कहाँ काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा। फिर कह रहा तथा लीवर का जो भार है वो 40 न्यूटन है, अब लीवर का जो भार दिया है वो कितना दिया है 40 न्यूटन, अब लीवर का जो भार है 40 न्यूटन हम यहाँ माने कि यहाँ माने, अब पता नहीं कहाँ काम कर रहा, तो कहाँ आगे लीवर का भार आलंब से
12 सेंटीमीटर की दूरी, अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, जब आप 12 सेंटीमीटर लेंगे तो इससे थोड़ा दूर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहीं पर इसका लीवर का पूरा भार काम कर रहा है, जिसका मान कितना दे दिया है 40 न्यूटन दे दिया है। कह रहा है अब इसके बाद कह रहा है वाल्व पर जो दाब लग रहे हैं, जो प्रेशर है, मतलब इस पे जो ये पानी का जो प्रेशर बन रहा है, ये जो प्रेशर बन रहा है वो कह दिया है, जो आपका प्रेशर है वो दाब जो है 1 न्यूटन पर mm² दे रहा है, मतलब कह रहा है 1 न्यूटन में, मतलब आपका जो है, मतलब 1 mm आपका जो स्क्वायर में 1 न्यूटन के आपके दाब लग रहे हैं, मतलब इसमें जो प्रेशर बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, आपको दिख रहा होगा कि आपका जो आपने पढ़ा होगा प्रेशर इक्वल टू होता है बल अपॉन एरिया, मतलब बल दाब, आपका जो दाब बराबर होता है बल बटा क्या क्षेत्रफल, आपने पढ़ा होगा कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो प्रेशर जो काम कर रहा है कह रहा उसमें आपके जो बॉयलर की जो इसमें है, ये जो वॉल्व है, ये जो है इस पर जो दाब काम कर रहा है 1 न्यूटन पर mm², तो ये प्रेशर आपका दे दिया। अब देखिए बल जो है वो न्यूटन है, क्षेत्रफल एरिया mm², तो अब करना क्या होगा इसके लिए, हम सबसे पहला काम ये करना होगा आपको, अब यहाँ देखिए ये आपको क्या करना होगा, अब यहाँ सबसे पहले हमको ये तो प्रेशर है, हमको प्रेशर हमको चाहिए कितना बल काम कर रहा, कितना बल, ये सभी जो है वो न्यूटन 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 में है और ये न्यूटन पर mm² में, तो अगर हम चाहें तो देखें F बराबर आप पढ़ सकते हो पी इंटू क्या हो सकता है A, मतलब इस पे जो F बराबर आपका होगा वो आपका क्या होगा, आपका दाब इंटू क्षेत्रफल होगा, और दाब आपको दिख रहा होगा कि दाब जो काम कर रहा है वो आपका कितना काम कर रहा है 1 न्यूटन का काम कर रहा है, यही तो है, लेकिन जो एरिया है, अब इस एरिया को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है इसका जो डाया यहाँ से यहाँ तक है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये एमएम में दिया तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, तो 8 सेंटीमीटर की जगह हम कितना लिख सकते हैं, यानी जो 8 सेंटीमीटर उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 80 mm लिख सकते हैं, तो यानी एरिया जब आप निकालोगे तो एरिया कितना होता है πr² होता है, तो एक का इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा πr। अब जरा देखिए ये जो दिया है वो डाया दिया है, जब r हम निकालेंगे तो r बराबर होता है d/2, तो d/2 करेंगे तो कितना mm आएगा 40 mm आएगा, तो अब जरा देखो 8 सेंटीमीटर का 80 mm लिख सकते हैं, जब भाग देंगे 40 mm तो ये गुणे 40 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेटर को उठाइएगा, कैलकुलेटर उठाने के बाद उस पर कैलकुलेशन करिए, अब कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला काम आपका देखिए आपका ये क्या हो गया पाई गुणे 40 का होल स्क्वायर, तो ये जो मान आपका आ रहा है ये आ रहा 50/26, जरा देखिए यानी कि F बराबर जो आपका आ रहा है, जो बल आ रहा है 50/26 आपका ये न्यूटन 0.54 न्यूटन, मतलब ये जो आपका जो F प्रेशर है, मतलब जो दाब बल जो आपका काम कर रहा है, ये तो दाब था लेकिन दाब बल कितना काम कर रहा है 50/26.54 न्यूटन का ये काम करेगा, जो इसे ऊपर की तरफ ढकेलने का प्रयास करेगा। तो अब आपको करना क्या है, अब वही फार्मूला आप जरा बताइए, फार्मूला वही क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट F, F पर मोमेंट लेंगे तो जरा देखिए अब आपका स्मॉल W, अगर माइनस में लेंगे तो माइनस में लो, प्लस में भाई क्लॉक को अगर हम माइनस लेंगे तो एंटी क्लॉक को प्लस लेंगे, अगर क्लॉक को प्लस लेंगे तो एंटी क्लॉक को माइनस, तो W गुणे 80 सेंटीमीटर, यहाँ W है, दूरी टोटल कितनी है 80 सेंटीमीटर है ना ये। अब उसके बाद देखिए फिर इसके बाद प्लस फिर ये 40 स्टील यार्ड का बाद 40 गुणे कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, अब 40 गुणे 12 सेंटीमीटर के बाद फिर प्लस, अब देखिए वॉल्व कितने का है 10 न्यूटन का घूम रहा वो भी, ये 10 गुणे कितनी दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो दाब बल होगा उसे ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा तो ये माइनस आपका हो जाएगा, और ये माइनस आपका कितना आया आपका देखिए 50/26.54 गुणे दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, वही दूरी है 8 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमको करना क्या एसी W का मान निकालना है, अब कैलकुलेटर को उठाइए और W का मान जो है आप इसे निकाल करके दिखाइए कि W का मान आपका कितना आया, तो 40 गुणे 12 प्लस आपका दिया है 10 गुणे 8 दे दिया, उसके बाद फिर माइनस आपका 50/26.54 गुणे आपका 8, अब ये जो आपका आया है, अब उसके बाद हम करेंगे क्या, उसे इधर भेजेंगे, भागा आपका कितना दिया है 80 दिया है,
आप उसे करेंगे तो देखिए मान जो आपका आ रहा है 495.65, 495.65 यानी कि आप करेंगे तो 495.65 आपका ये है न्यूटन। मतलब कि जो लटकाए जाने वाला भार होगा वो 495 न्यूटन का लटकाए जाने वाला भार होगा। कभी भी याद रखे रहिएगा, अगर P का मान दिया है, आपका जो दाब दिया है तो दाब को पहले बल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये बल में सभी मान दिए गए, कितना बल काम कर रहा है। अब यहीं पर हमने क्या कर लिया, बल निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी आपका दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल निकालेंगे तो दाब इंटू एरिया, दाब आपको दे दिया है 1 न्यूटन पर mm² तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर में इस आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो mm में था इसलिए इसको mm में कर दिया। तो 4 को हम 40 mm लिख सकते हैं, यही 40 mm यहाँ मैंने रख दिया। अब किया तो कितना गया भाई, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए लीवर सुरक्षा वाल्व का सारा सवाल लग गया। अब लीवर सुरक्षा वाल्व का सवाल लगाने के बाद देखिए अब अगला टॉपिक आता है। अब इसके बाद ये टॉपिक लेसन में जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले थे यहाँ से आपका ये क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आपके जो भी न्यूमेरिकल हैं और आपके जो भी हैं ऑप्शनल वाइज जो भी हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको लगा करके आगे भेजा जाएगा। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन को हम आज खुद लगवाते हैं, जरा चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको लेकर के चलते हैं। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बुक को उठा करके ही आपको दिखाता हूँ बुक में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगाना है। तो बुक के क्वेश्चन को ही आप लगाइए, पहले कोई भी बुक है आप उसे लगाइए, जो ना है उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के आप उनको भेज दीजिए। उस आपके क्वेश्चन हम आपको लगा करके या तो वीडियो बना करके भेज देंगे या तो फिर आपको अगले क्वेश्चन में आपको लगा करके दिखा दिया जाएगा। तो जरा चलते हैं, अब जरा देखिए और जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा आपके बुक का ही क्वेश्चन है। जैसे जरा देखिएगा इसमें सवालों में अक्सर आपसे पूछ सकता है अधिकतम बल, सब न्यूमेरिकल बता रहे हैं अधिकतम बल, और एक आपको पूछेगा मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम फोर्स न्यूनतम बल। जैसे कि अगर वायु देवे एक आपके पास मान लीजिए चिकनी सतह, कोई भी सतह हो उस सतह पर एक मान लीजिए रोलर रखा है, और रोलर रखा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक हीट रखा हुआ है। अब कहेगा ये बताइए इस रोलर का जो भार है वो तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका वो 6 किलो न्यूटन है। अब आपसे कह दे कि जरा ये बताइए कि 6 किलो न्यूटन को भार को उस पर चढ़ाने के लिए कितने अधिकतम बल की आवश्यकता होगी, चढ़ाने के लिए कितने न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी, दो चीज़ें आपसे पूछेगा। तो देखिए जब भी ये रोलर को आप खींचोगे, देखिए इस तरह से अगर आप खींचते हो तो ये जो खींच रहे हो तो आप जरा देखिए अब यहाँ पर बाय द वे आपने ये एफ फोर्स लगाया, तो आप जरा देखिए ये जो आपका फोर्स होगा, ये जो फोर्स याद रखे रहिएगा, आप खुद देखिए सवालों को लगा करके चेक करिए कब आपका मैक्सिमम होगा और कब आपका न्यूनतम फोर्स आपका होगा। तो आप जब ये बल लगाओगे तो ये रोलर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो चढ़ेगा किसी पर तो मोमेंट होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर ही, तो क्या करेगा वो घूमेगा, तो ये ऊपर घूमेगा। आप इस तरह से भी बल लगा सकते हो, एकदम इस क्षैतिज इसके लगा सकते हो। एक इसी फिगर को अगर हम इस तरह से बना दें तो आप दो तरह से देखिए खींच सकते हो, या यहाँ से ये है ये मान ले चुकी है, हम क्या करें हम इस पॉइंट से घूमेगा, हम इस लाइन से ऐसा बल लगाएं जो यहाँ आपस में कितना एंगल बनाए 90 एंगल बनाए। तो अब जरा बताइए कि आपको इसी 6 किलो न्यूटन मान लीजिए यहाँ 6 किलो न्यूटन का भार लटक रहा है, तो बताइए इस पर न्यूनतम बल लगेगा कि इस पर न्यूनतम बल लगेगा, इस पर अधिकतम बल लगेगा इस पर अधिकतम। देखिए दोनों का सवाल वही है और दोनों पे डायमेंशन हम वही लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें मैक्सिमम बल लगेगा कि इसमें आपका न्यूनतम बल लगेगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर याद रखे रहेगा अगर आप जो घुमाओ घूड़ जैसे मोमेंट क्या होता है बल गुड़े लंबवत दूरी, देखिए जब ये बल और ये घूम इस पर लंबवत दूरी, तो अगर ऐसा अकॉर्डिंग मिलता है तो इस पर जो लगेगा वो मिनिमम फोर्स काम करेगा, इस वाले पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, क्योंकि लंबवत बना नहीं रहा है इस पॉइंट से, ये लंबवत इसको हम लंबवत बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ऐसे फिगर देख करके बताए तो जिस पॉइंट से घूड़ आपका उत्पन्न होना है, घूड़ होना है वहाँ से देखिए जो बल लगाया जा रहा है अगर वो लंबवत कार्य कर रहे हैं तो ये मिनिमम बल से घूम जाएगा, लेकिन अगर यहीं से ये देखा जाए तो ये तो घूम रहा पर इनके बीच का लंबवत 90 डिग्री कोण बना नहीं, तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको लगा के दिखा देते हैं, जैसे बता दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है और हम कह दें कि ये
पूरा जो इसका जो डाया है वो आपका 50 सेंटीमीटर का है। यहाँ ये भी हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है, और ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए करना क्या होगा, हम यहाँ इसको लगा के दिखाते हैं फिर इसको लगा के दिखाते हैं। तो करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहला काम ये ओ पॉइंट है, अब ओ पॉइंट पर ही देखिए ये क्या करेगा, घूमेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो अगर देखा जाए ये ओ पॉइंट है तो ये आप इसको अगर जी पॉइंट मानते हो तो ये एम होगा। तो यहाँ देखो त्रिभुज ओ एम जी, एक आपका राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज में आपको जरा देखो करना क्या होगा, जब आप पहले क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हमको क्या लेना होगा, मोमेंट, मोमेंट लेना होगा, मोमेंट एट पॉइंट किस पर आप लोगे, ओ पर। तो देखो ओ पर जब ये बल घूमेगा तो किस दिशा में घूम रहा, ये आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं माइनस एफ गुड़े ओ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ गुड़े ओ जी ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी हम निकालेंगे अभी बाद में। अब जरा देखिए जब ये उधर की तरफ आप खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ तो चढ़ेगा, पर ये जो भार होगा ये उसे नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो कितने 6 किलो न्यूटन का आपका है, तो ये जो 6 किलो न्यूटन का जो भार आपको दिख रहा होगा, अब उसको करना क्या होगा 6 किलो न्यूटन वाले को, तो ये नीचे की तरफ इस दिशा में घूमेगा। तो अब ये जरा देखो तो ये आपको हो जाएगा प्लस 6 गुणे, अब इसके लिए लंबवत दूरी कौन होगी, ये लंबवत दूरी है OM, तो यानी OM बराबर कितना, 0। तो अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 6 गुणे OM बराबर F गुणे OG, और F का मान हमको निकालना है तो 6 गुणे OM अपान क्या होगा, OG। अगर यही OM OG का मान मालूम चल जाए तो बल F का मान मालूम चल जाएगा कि कितना बल लगा करके इसे घुमाया जा सकता है। तो अब देखिए OM और OG में जरा देखिए, OG देखिए आपको लिख रहा एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपका जो ये OG होगा वो OG 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 50 का डाया तो 25 होगा, लेकिन आपको पता ये आपको OM हमको नहीं मालूम है। तो अब इसके लिए जरा देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वो भी एक त्रिज्या 25 होगी, और ये कितना ब्लॉक दिया है 10, अगर बताइए 10 दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ये बच कितना गया 15, तो ये आपका 15 ये आपका 25। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या आपको निकाल नहीं सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होगा ओ जी स्क्वायर बराबर आपका होगा ओ एम स्क्वायर प्लस आपका क्या एम जी स्क्वायर, एम जी स्क्वायर हमको क्या चाहिए ओ एम स्क्वायर चाहिए, तो ओ एम बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा ओ जी माइनस एम जी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे ओ जी का मान जो दिया है उठाइए ब्रैकेट लगाइए, ओ जी का मान दिया 25 का स्क्वायर माइनस इसके बाद एम जी मान का आपका जरा देखिए एम जी 15, ये 15 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद करिए, देखिए मान जो आपका आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, ये आपका आया 20, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी आई वो आपका कितना आ रहा है 20 आ रहा। एक बार फिर से चेक करते हैं तो ये आपका 20 आ रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है, अब 20 सेंटीमीटर दिया है, अब इसी 20 सेंटीमीटर के सवालों को क्या करिए, अब यहीं पर रख दीजिए, अब यहीं पर रख देते हैं। जरा देखिए हमको OG का मान और OM का मान पता है, OG का मान 25 है, तो क्या करिए 6 गुणे OM, OM का मान कितना है 20 हो गया, भागा आपका OG का मान कितना आपने निकाला, OG का मान 25, ये 25 देखिए कितना आया 4.8 किलो न्यूटन, यानी आपको कितने न्यूटन की बल की आवश्यकता होगी, 4.8 किलो न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। अब आगे चलते हैं, इस वाले सवाल में मैंने बताया था कितना होगा, तो अब जरा देखिए अब यहाँ पर भी हमको क्या है मोमेंट चाहिए, तो मोमेंट हम लेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट किस पर होगा, ओ पर। तो ये जरा देखिए जब ये आपका यहाँ से इस लाइन को खींच दीजिए, इसको एम मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, तो ये देखिए ये जो होगा माइनस एम, माइनस हम मानते हैं माइनस एफ गुड़े लंबवत दूरी चाहिए, मोमेंट के लिए बल गुड़े लंबवत दूरी, तो ये क्या लंबवत दूरी है, नहीं, इस लाइन को हम मिला लीजिए और यहाँ मान लीजिए क्या एन, यानी एफ गुड़े क्या होगा ओ एन हो जाएगा, फिर माइनस की आप लिया था इसके लिए, अब इसके लिए लेंगे प्लस, तो 6 गुड़े क्या होगा ओ एन बराबर कितना होगा 0। अब ओ एन का मान निकालिए, अब ओ एन का मान आप देखो निकाल लो, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, देखिए टोटल 50 है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 25 होगा, तो ये 10 है, कितना हो जाएगा 15। अभी आपने OM का मान निकाला, OM का मान कितना आया, तो अभी आपने देखा OM का मान आप जब निकाले तो कितना 20, मतलब ये दूरी जब निकालोगे 20 आ जाएगी। तो अब करना क्या होगा, बस डायरेक्ट F गुड़े F बराबर क्या करना है 6 गुड़े OM बटा क्या
ओएन। अब इसी का मान निकालिए, 6 गुणे देखिए 6 गुणे ओएम का मान कितना है, ओएम का मान अभी आपने निकाला, ये ओएम कितना दे दिया 20 भागा। अब जरा देखिए ओएन का मान कितना है 15, कितना रहा है 8, तो जरा देखिए 8 किलो न्यूटन। तो आपको खुद दिख रहा, बताइए यही सवाल सेम सवाल आपके ये हैं, डायमेंशन में मैंने अंतर नहीं दिखाया, मतलब इस वाले के लिए हमको F कितना लगाना पड़ेगा 8 किलो न्यूटन, और इसके लिए जब उठाना पड़ेगा तो कितना, तो आप बताओ मैक्सिमम और मिनिमम आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यही बताया कि घूर्ण के लिए जिस पॉइंट पर ले रहे हो, अगर वहाँ लंबवत बल लगा रहे हो और ये मोमेंट बना ले रहा है, तो आप जान लीजिएगा कि यहीं पर आपका ये मिनिमम होगा, लेकिन जब ये लंबवत नहीं हो रहा है, ये इस पॉइंट पर घूम रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम पूछ देता है। तो आप फिगर देख करके ही समझ जाइएगा कब आपके मैक्सिमम लगेंगे और कब आपके मिनिमम फोर्स लगेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वाले सवाल भी खत्म हो गए, ज़्यादा नहीं है, आप कुछ सवालों को लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। तो फिलहाल इस टॉपिक में आपके न्यूमेरिकल हैं उन्हें लगाइएगा और मार्क करके हमको बताइएगा, बाकी आपको इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बना करके आपको भेज देंगे। अगर और कहिए बस, रहने देते हैं आज के लिए, थैंक यू।